सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ बिजनेस एंड गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो है, यानी जीपीएम का एक पेपर है, बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर है ये। और जीपीईएम गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, और आप सबको पता है पिछले वीडियो में मैंने साझा कर दिया था कि इस विषय में 120 अंकों के पेपर होते हैं, 60-60 नंबर के दो और 80 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ये एक सेगमेंट है। और पहले जो सेक्शन ए होता है इसमें आधा आधा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 और 5 नंबर का ये पूरा है, इसमें 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और सेक्शन सी में जो है आप लोगों के 12.5-12 नंबर के दो क्वेश्चन आते हैं, 4 आते हैं, 2 करने होते हैं। इसी प्रकार से हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यूनिट 1 की बात करूं, नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस, पहला क्वेश्चन आपको यहां से कर लेना चाहिए कि जो व्यवसाय होता है उसकी प्रकृति और उसके उद्देश्य क्या है। देखिए पहली यूनिट को आप पूरा पढ़ लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन आपको 12.5 नंबर का, एक क्वेश्चन जो है 6 नंबर का, और एक नंबर का और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आधे आधे नंबर के दो। तो ये एक प्रकार से यहाँ से आपको बड़ा एडवांटेज, लगभग 19.5 जो है 19.5 मार्क्स आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो इस पेपर से। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि प्रकृति और उद्देश्य बिजनेस के क्या होते हैं, और कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या होती है, यानी जो व्यवसाय की अवधारणा और उसकी विशेषताएं। तो ये एक मिलता जुलता सा क्वेश्चन है, दोनों का यहाँ से बन जाएगा। आप नीचे वाले टॉपिक को छोड़ सकते हो मेरे सामने, इसके उद्देश्य भी आप यहीं से पढ़ लो कि जो उद्देश्य होते हैं व्यवसाय के, आर्थिक और सामाजिक दोनों। तो ये एक तो उद्देश्य ज़रूर पढ़ लें आप लोग, और ऊपर से पढ़ लें मेरे सामने पहला टॉपिक, तो ये दोनों टॉपिक पढ़ के भी आप इसको हल कर सकते हो। एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा, कंपनी जो है पब्लिक और प्राइवेट, यानी निजी और जो सार्वजनिक कंपनी होती है वो क्या होती है, क्या उनके उद्देश्य होते हैं, ये यहाँ से देख लो आप लोग। एक जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज क्या होती है, ये थोड़ा सा देख लें। और इसमें देखना क्या है, यानी बिजनेस इंटरप्राइजेज यानी जो व्यावसायिक इकाइयाँ होती हैं, उद्यमी होते हैं, उनके मीनिंग क्या है, उनकी विशेषताएँ क्या हैं, और मेरिट और उनकी डीमेरिट्स क्या होती है, ठीक है। ये आपको कंपनी का मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस, ये आपको जो ये थोड़ा सा लगाना भूल गए शायद इसमें, यानी नीचे के जो तीन टॉपिक है ना, इनके बारे में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है। तो मेरे सामने आप कंपनी वाला पोर्शन पढ़ लो, और ऊपर से आप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज पढ़ लो, तो ये चीज़ें जो है हो जाएंगी। हालांकि ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि जो सिलेबस फॉर्म किया है इसमें ये शायद टाइपिंग एरर है, आगे चल के शायद इनको ठीक करवा दिया जाएगा। अच्छा, और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यूनिट 3 की तरफ अपन मूव करते हैं, हिस्ट्री ऑफ द जीपीएम, यानी जो गारमेंट इंडस्ट्री है इसका इतिहास, और इसका वर्तमान में जो वैश्विक बाज़ार है उसमें क्या है सीन। रेडीमेड गारमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, और इनके प्रॉब्लम और इसकी संभावनाएं क्या क्या हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये ऊपर के सेक्शन से आप लोग ज़रूर देख लें, एक आप यहाँ से ये देख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोप ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इन गारमेंट इंडस्ट्री, यानी जो उद्यमिता होती है वो गारमेंट इंडस्ट्री में, यानी कपड़ों के उद्योग में, उसका क्या क्षेत्र है। ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और इसके बाद यदि हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े, रोल ऑफ डिजाइनर्स, जो तो डिजाइनर्स होते हैं उनकी गारमेंट इंडस्ट्री में क्या भूमिका है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको यहाँ से आप लोग देख सकते हो। यदि यहाँ पर हम लोग बात करें यूनिट 4 की, तो मर्चेंडाइजिंग कॉन्सेप्ट है जो है, मर्चेंडाइजिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है फैशन मर्चेंडाइजिंग में, ये आप लोग देख लें। और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक मर्चेंटाइजर की, तो ये थोड़ा सा देख लें, दो चीज़ें यहाँ से आप लोग ज़रूर देखें। और इसके अलावा कैरियर्स इन अपैरल इंडस्ट्री, तो ये भी एक प्रकार से देख लें आप लोग कि किस प्रकार से जो है जो कपड़ों का उद्योग होता है उसमें क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ये थोड़ा सा बुक आप लोग के पास होंगी, आप लोग समझते हैं। और ये जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर गारमेंट यूनिट में, तो इसमें से दो टॉपिक हैं आपके, एक तो द साइज ऑफ यूनिट, प्रोडक्शन एंड स्टोरेज, प्ले स्पेस एंड लॉन्ड्री एरिया। तो इन दोनों में से कोई एक टॉपिक पूरा पढ़ लें आप लोग, तो यहाँ से भी आप लोग जो है
कर सकते हो, यानी जीपीएम को गारमेंट प्रोडक्शन की जो इकाइयां स्थापित करते हैं ना, उसकी कितने साइज़ की यूनिट होनी चाहिए, उसमें क्या चीज़ें होती हैं प्रोडक्शन, और उसको भंडारण कैसे होता है, जगह कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना, और लॉन्ड्री एरिया क्या होना चाहिए। तो मतलब दो चीज़ें, एक साइट सेलेक्शन ऑफ यूनिट है, तो मतलब जो लोकेशन है वो किस प्रकार से आप डिसाइड करोगे। ये यूनिट मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है, इसको पूरा पढ़ लेना। और प्रोक्योरमेंट ऑफ फिक्स असेट्स जो होती है वो कौन क्या क्या है, तो एक तो स्पेस होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए और बजट होना चाहिए, तो ये चीज़ें होती है। और मेरे हिसाब में इस यूनिट को आप पूरा पढ़ना, तो यहाँ से भी आप बड़ा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व मेरे हिसाब में कर पाओगे। तो पहली और पांचवी यूनिट पूरी पढ़ना, बाकी आप कैसे कर सकते हो। थैंक यू सो मच।